हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स मास्टर डॉक्टर दिशंत एंड टूडे वी विल डील विद टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट ऑफ साइंस ऑफ नाइन्थ क्लास तो आज के जो आपका टॉपिक होगा वो पर्टेन करेगा आपके चैप्टर से जो आपके करिकुलम में है दैट इज मोशन जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लगता है कुछ ना कुछ मूव कर रहा है बहुत सारी चीजें हैं जो मूव कर रही हैं बहुत सारी चीजें हैं जो मूव नहीं करती हैं मींस एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी दो ही स्टेट्स में हो सकता है आइदर इट इज मूविंग मींस आर इट इज मोशन आर इट इज एट रेस्ट अब मोशन किसे कहेंगे और रेस्ट किसे कहेंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अदर इट मे बी इन रेस्ट एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूं इस केस की कि एक इंसान को जो चीज चलती हुई दिखाई देती है हो सकता है दूसरे इंसान को that depends upon where that person, where that observer is. for example, if you are sitting in a bus, you are sitting somewhere in the bus along with some other person. for you, for you to be there, your co-seater, your co-passenger, that he or she may be in rest. आपको क्या दिखाई देगा जो आपके पैसेंजर है जो आपके साथ को पैसेंजर है वो रेस्ट में है बट आपको दिखाई देगा जो सराउंडिंग में आपको प्लांट्स ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाई देगा दे इफ यूर बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन दोज ऑब्जेक्ट दो इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स फॉर यू इन द बस फॉर ट्रीज दे आर इन मोशन बट इफ

यहां पे रेस्ट पे था अब आपको वो मोशन में दिखाई देगा तो यहां पे आपको क्या दिखाई दिया क्या डिफरेंस आपको लगा किस चीज से आपको ये मोशन रेस्ट में कन्वर्ट हो गया रेस्ट मोशन में कन्वर्ट हो गया दैट इज ओनली ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर वन थिंग द ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द थिंग्स सेकेंड वन द सराउंडिंग अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर देते हैं आप मींस ऑब्जर्व तो आपके लिए जो आपका देखने का जो तरीका था जिसमें आपको मोशन और रेस्ट दिखाई दे रहे थे आपके वो तरीका चेंज हो जाएगा दैट मीन्स की विद चेंज इन योर सराउंडिंग योर एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज मीन्स नो वट द सराउंडिंग इज For me as a layman, the surrounding is whatever there around you. Means, if you are inside the bus, your co-passengers, your bus body, that is your surrounding. और जब आप बस से बाहर आए तो सारा एटमॉस्फेयर जो है वो आपकी सराउंडिंग बन गया तो जैसे ही आपने सराउंडिंग चीज की तब आपका जो प्रोस्पेक्ट था ऑब्जेक्ट्स को देखने का वो सराउंडिंग चेंज होते ही चेंज हो गया तो आप अब आप मोशन या रेस्ट किस तरह से देखेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग इस सराउंडिंग को मैं एक छोटा सा नाम दे देता हूं जिसको आप सराउंडिंग को आप देख रहे हो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब यहां पे एक टर्म आ चुकी है रेफरेंस हाउ वुड यू से दैट वॉट इज रेफरेंस जब भी आप किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं या कोई भी मेजरमेंट लेते हैं यू ऑलवेज सीम दैट यूर मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो सो वट डू यू से जहां से भी आप स्टार्ट करते हैं यू स्टार्ट फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट तो आप क्या कहते हैं आप उस पॉइंट को क्या लेके चलते हैं दैट पॉइंट इज एन ओरिजिन ओरिजिन कैसा पॉइंट है अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है यहां पे आपके पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हैं एपसीसा और ऑर्डिनेट्स हैं तो so, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इन दोनों एक्सिस का वी कंसीडर दैट एज एन ओरिजिन व्हाई इज ओरिजिन? बिकॉज विद रेफरेंस टू दैट आईर ऑन दिस साइड यू विल टेक पॉजिटिव आर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑन ईदर साइड यू विल टेक नेगेटिव अबव यू आर टेकिंग पॉजिटिव एंड बिलो यू आर टेकिंग नेगेटिव मीन्स आप कर कह रहे हो आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है इस रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके अब आप डिफरेंट डायरेक्शंस की मेजरमेंट्स लेते हो मींस ये ओरिजिन कॉमन है ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस कॉमन है इसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है ये बात समझ आ गई कि हमने कैसे देखा अब बात यह आती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अब कर क्या रहा है वो मोशन में तो दैट मींस अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन बी इन मोशन इफ इट इफ इट इज चेंजिंग पोजिशन क्या कर रही है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है पोजीशन जब भी होगी बिना लिखे आपको समझ जाना चाहिए कि वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन होगी पोजीशन चेंजेस विद टाइम टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसको समझ लेना है कि दैट ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटिंग मोशन सो जब पोजीशन की बात करेंगे दैट विल ऑलवेज बी विद रेफरेंस टू सम इनिशियल पॉइंट और उस इनिशियल पॉइंट को हम मैथ्स में क्या कहते हैं हम कहते हैं कि वे हमने क्या कर दिया कहां से शुरू किया हमने किया ओरिजिन से शुरू बात समझ आ गई आपको अब कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या है चेंजेस किन में होगी जब मोशन एग्जीक्यूट होगा सो so, मोशन का ही एक दूसरा हिस्सा है रेस्ट रेस्ट मींस पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो जब मोशन की बात कर रहे हैं हम मोशन में आपके पास कुछ रेक्टरिस्टिक्स कुछ टॉपिक्स आते हैं कुछ पॉइंट्स आते हैं उनमें सबसे पहला हमने कहा चेंज इन पोजीशन सो उसकी मेजरमेंट कितनी है वो पोजीशन चेंज आपने कैसे की है दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ आई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिपेंड करता है कि जब आप उस मेजरमेंट को लेने जाएंगे आप उस मेजरमेंट में किस चीज का ध्यान रखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट का या टाइप ऑफ मेजरमेंट या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट का जब आप चेंज इन पोजीशन का मेजर करने जा रहे हो सिर्फ चेंज मींस व्हाट इज लेंथ व्हाट इज द डायमेंशन व्हाट इज द मेजरमेंट तो डिस्टेंस क्या है इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज और द लेंथ किसका ऑफ चेंज इन पोजीशन जो पोजीशन चेंज हुई है उसकी लेंथ उसकी मेजरमेंट उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसे हम क्या कहेंगे दैट विल बी योर डिस्टेंस ध्यान रहे मीन्स इट इज एक्चुअल पाथ ये क्या है ये वो एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स अब पॉइंट्स कौन से भाई पॉइंट्स भाई वही जो वहां पे इनिशियली वो था वहां पे और यहां पे चेंज होने के बाद गया है वो दो पॉइंट मींस अगर आप पहले थे पॉइंट ए के ऊपर अब आप पहुंच चुके हो पॉइंट बी के ऊपर तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए आपने जो रास्ता चुना है चाहे वो रास्ता वन है चाहे रास्ता टू है और इट इज लाइक दिस Your path can be any of these three means one, two or three means your path can be curved or straight line means but one condition that it should be the actual path means ये वो रास्ता होना चाहिए यहाँ से ऑब्जेक्ट A से B पे गया तो डिस्टेंस क्या है इस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन इन क्योंकि अगर डायरेक्शन हो जाएगी तो फिर तो पाथ आपका मेरी बात समझे आप एनी ऑफ दीज थ्री दो जगह मैंने लगाया मीन्स ये कोई भी हो सकता है अगर एक्चुअल है तो लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन दे दी तो कन्फाइंड हो जाएगा एनी पे किसी पे नहीं ऑल पे नहीं सिर्फ वन पे एनी वन ऑफ दीज थ्री ओनली वन ऑफ दीज थ्री डन सो कौड भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है बट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट नंबर एक A और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी का शॉर्टेस्ट पाथ है मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पॉइंट इक्टिव वेदर दाथ है नहीं है कि वो पाथ ट्रेवल किया हो, हो सकता है मैं पाथ वन से गया हूं ठीक है बट ए से बी के बीच में पार्थ टू स्ट्रेट लाइन पाथ है पार्थ वन से हमने ट्रेवल किया है और पाथ जो टू है पाथ थ्री जो है पाथ थ्री इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ देन पाथ वन विल बी द डिस्टेंस दैट विल बी द डिस्टेंस क्योंकि वो एक्चुअल पाथ है और पाथ टू विल बी द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दैट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बात समझ आ गई पाथ वन हो गया आपका डिस्टेंस और पाथ थ्री हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वो क्या है वो भाई आपका है स्ट्रेट लाइन बात ध्यान रहे अब दूसरा केस ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है अगर मैं ए से बी पाथ थ्री के थ्रू ही गया हूं मान लीजिए ए से बी में इसी पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ से ही गया हूं तो यही स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डन तो ये बात एक समझ आ गई आपको तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट में एक चीज एक्स्ट्रा है डिस्प्लेसमेंट कंटेन्स मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है ध्यान रहे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट ठीक है इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेकेंड थिंग इफ यू अब एक चीज का बड़े ध्यान से देखना यहां पर अब अगर आप मूव कर रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ए से बी पे डन आप गए ए से बी पे भाई ए से बी के बीच का डिस्टेंस है एक्स लेंथ ले लीजिए एक्स है कहां से ए से बी पे डिस्टेंस है एक्स तो मैं गया ए से बी ए से बी गया तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ डिस्टेंस ए बी ज इक्वल टू एक्स आपने क्या किया आप मूव किए बी टू ए आप कहा से कहा मूव किए बी टू ए डिस्टेंस हुआ आपका x ध्यान रहे मैं मूव किया ए टू बी डिस्टेंस हुआ x आप मूव किए बी टू ए डिस्टेंस हुआ x ध्यान से अब डिस्प्लेसमेंट कितनी की मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए बी भाई डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स बट आप आए बी टू ए आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की माइनस एक्स क्या ट्रेवल की माइनस एक्स ये बातें ध्यान रखना इसका मतलब है कि डिस्टेंस में पॉजिटिव साइन ही होता है नेगेटिव नहीं होता बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है नंबर दूसरी चीज एक और एग्जाम्पल आप ए से बी गए डिस्टेंस की बात कर रहा हूं पहले में और बी से वापस ए पे आए तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आप ए से बी गए बी से वापस ए आए टोटल डिस्टेंस ए से बी एक्स और एक्स से वापस हो गया टू एक्स ट्वाइस ऑफ क्स बट मैंने डिस्प्लेसमेंट की मैं x a b से गया x डन और वापस आया b से माइनस एक्स तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई जीरो क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और इक्वल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो जब टोटल रिजल्ट लिया तो मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो यहां से एक चीज और आपको पता लगी कि डिस्प्लेसमेंट कब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम फाइनल are आर सेम time इट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो गई पॉजिटिव भी हो गई और नेगेटिव भी और आपका डिस्टेंस क्या रहा सिर्फ पॉजिटिव रहा तो बात समझ आ गई तो अब आपके पास कुछ चीजें आ गई हैं. अब हम थोड़ा सा इनमें देखते हैं देखते हैं एक बार डिस्टेंस और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सिर्फ स्टार्टिंग में जीरो होगा बाद में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा दैट विल बी पॉजिटिव स्टार्ट होने के बाद भी जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है डायरेक्शन रिवर्स होने पे नेगेटिव भी हो सकता है डन एक एक चीज आ गई दूसरी चीज इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस में सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है और इसकी मेजरमेंट कर सकते हो आप इन द यूनिट मीटर डन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है और इसकी भी मेजरमेंट आप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मीटर तो जब हम बात करते हैं सिर्फ मैग्नीच्यूड वाली फिजिकल क्वांटिटीज की तो हम कहेंगे कि भाई जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहेंगे स्केलर क्या हो गई वो क्वांटिटी स्केलर और जिसका मैग्नीच्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है वो बन गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी तो ये दोनों क्वांटिटीज बन गई और जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज तो भाई आपके पास क्या हुआ आपके पास आई ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप नाप तोल सकते हो वो कौन सी हैं फिजिकल दो किस्म की हो गई एक हो गई स्केलर एक हो गई वेक्टर स्केलर कौन सी होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो वेक्टर कौन सी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो मैग्नीट्यूड वाले की स्केलर वाले की एग्जाम्पल आ गई डिस्टेंस और वेक्टर वाले की आ गई, आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट तो ये यहां तक आपको समझ आया कैसा रहा आपको नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हम मोशन में यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज टाइम सो टाइम सबसे पहले टाइम है क्या टाइम है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करती है आप फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजर करेगी ही किसको मेजर करती है मेजर करती है अकरेंस ऑफ इवेंट अकरेंस ऑफ एन इवेंट किसी चीज के होने को मेजर करती है उसने कितनी टाइम लिया कितना लिमिट लिया कितना फिजिकल क्वांटिटी है किसके इवेंट अब इवेंट क्या है आंखों का झपकना इवेंट मेरा लिखना इवेंट है मेरा चलना इवेंट है सांस लेना इवेंट है धड़कना इवेंट है दिस ऑल थिंग्स दे आर एन इवेंट इन इवेंट को होने में जो अकरेंस होने में जो मेजरमेंट है इस चीज को मेजर करने में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है दैट इज टाइम टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स सबसे स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड यूनिट है सेकेंड फिर हम यूज करते हैं मिनिट्स देन वी यूज दैन मंथस देन ईयर सो इस तरह से मेजर किया जाता है दैन वी यूज टू वर द डिकेट एंड सेंचुरीज सो दैट इज टाइम टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मोशन में बिकॉज टाइम अपनी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब पे काम करता है कि दैट इट नेवर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोशन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोशन की हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम बट टाइम पे किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है डन तो जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रेशियोज लेते हैं वी गेट समिजिकल कैरेक्टर सम ऑफ दर वेलोसिटीज दे आर स्पीड दे आर एक्सेलेश रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं सो वी विल एक्सटेंड दिस लेक्चर टू द नेक्स्ट वन आई थिंक यू मे हैव अर्न समथिंग टूडे यू मे हैव लर्न सम कंसेप्टुडे So, I think we are going to again meet in the next lecture. So, till then, thank you. Goodbye. Namaskar.